काफी टाइम से एक वर्ड सुन रहे हैं, कंपाइलेशन, कंपाइलर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड टू मशीन कोड। अब हम कुछ फेमस आईडीई के बारे में जान लेते हैं। आईडीई अभी परेशान मत होइएगा, हम अभी बता पढ़ेंगे कि आईडीई क्या होता है। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कुछ फेमस आईडीई के नाम और उनके डेवलप करने वाली कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आईडीई जो कि काफी फेमस आईडीई है, टर्बो सी और सी प्लस प्लस। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है बुटलैंड, आप लोग नाम याद रखेंगे। फर्स्ट आईडी उसके बाद जो हमारा सेकंड आईडी है जिसका नाम है कोड ब्लॉक्स, कोड ब्लॉक्स बनाने वाली कंपनी का नाम वेरियस था नहीं, कोड ब्लॉक्स को कई कंपनियों ने मिलकर डिजाइन किया था इसलिए हम यहाँ वेरियस वर्ड का यूज कर रहे हैं। थर्ड आईडी है डेव सी प्लस प्लस। डेव सी प्लस प्लस को डिजाइन करने वाली कंपनी का नाम था ब्लडशेड। फोर्थ आईडी है वीएस कोड। इसे डिजाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड फिफ्थ आईडी है एक्स कोड, जिसे डिजाइन करने वाली कंपनी थी एप्पल। तो यहाँ कुछ फेमस आईडी हैं। आईडी एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने सोर्स कोड या कोड को लिखते हैं, उसे कंपाइल करते हैं और उसे रन कर पाते हैं।
एक ऐसा एरिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हम अपने प्रोग्रामिंग के लिए जो रिक्वायर्ड थ्री स्टेप्स हैं हम थ्री में ऑल थ्री स्टेप्स परफॉर्म कर पाते हैं, वो एनवायरनमेंट आईडीई कहलाता है। अभी हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस आईडीई यूज करेंगे एंड स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट तक टर्बो यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे कोड ब्लॉक्स।